हाय गाइस, हम आज बना रहे हैं प्रॉन करी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg प्रॉन्स, डीवेंड और डीशेल्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एंड विनेगर। तो सबसे पहले हम प्रॉन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हम प्रॉन में ऐड करेंगे सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, विनेगर और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और 5 से 10 मिनट मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन में मस्टर्ड ऑयल लेंगे। जब वो गर्म हो जाए तो हम उसमें अपने प्रॉन्स डाल देंगे। हम प्रॉन्स को यहाँ पे थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं कि इसका स्मेल चला जाए। अब आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद हमारे प्रॉन्स शैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम 2 कटे हुए प्याज ले लेंगे, 4 टमाटर, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, कोकोनट मिल्क, खड़ी लाल मिर्च, राई, कड़ी पत्ता एंड इमली का पेस्ट। अब ग्रेवी के लिए हम एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम राई ऐड करेंगे, फिर कड़ी पत्ता डालेंगे, देन जिंजर एंड गार्लिक चॉप्ड, ग्रीन चिली, फिर हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम अपने अनियंस डाल देंगे। धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप मिर्ची मत डालिएगा। हमारे यहाँ लोग मिर्ची बहुत खाते हैं, इसलिए हम इसमें भरपूर मिर्ची डालते हैं। जब मसाला सूख जाए तो फिर उसमें आप अपना टमाटर ऐड कर लें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा ये हाई पे भुन जाए, फिर हम गैस सिम कर देंगे और इसको 10 मिनट ढक के पका लेंगे। दस मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला सूख गया है। इसमें हम नमक डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी। एक बार ये आपका ग्रेवी बॉईल होने लगे फिर हम उसमें अपने प्रॉन्स ऐड कर देंगे एंड विल कवर एंड कुक इट फॉर 10 to 12 मिनट्स। जब तक हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है तब तक हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में तेल लेंगे, उसमें राई ऐड करेंगे, साथ में खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। एक बार ये राई क्रैकल करने लगे फिर हम इसको अपने ग्रेवी में ऐड कर देंगे।
और ये हो गया आपका प्रॉन करी तैयार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।